बीजेपी की जारी की गई पहली लिस्ट में नाम आने की बात से पवन सिंह का नाम सुर्खियों में बना हुआ है और अब उनके यू टर्न ने फिर उनको लेकर हो रही चर्चाओं को गर्म कर दिया है। पहले चुनाव लड़ने से मना करने की बात पवन सिंह ने कल यू टर्न लेते हुए ऐलान किया था कि अब वो चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। इससे पहले पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल विधानसभा सीट से टिकट दिया था, जिस पर खूब विवाद हुआ था। दरअसल इस विवाद की वजह थे उनके कुछ गाने जिनमें बंगाल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। टीएमसी ने गानों के पोस्टर सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए थे और पवन को मिले टिकट को बंगाल की महिलाओं का अपमान तक बताया था। विवाद बढ़ने के बाद पवन ने सोशल मीडिया पर ही ऐलान किया था कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आसनसोल में उनकी टक्कर शत्रुघ्न सिन्हा से होने की उम्मीद थी। इस खबर के बाद अब पवन कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इससे पहले पवन के आरा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी बनी हुई थी। वहीं इन सब के बीच कई जगह राजनीतिक गलियारों में पवन सिंह को लेकर माना जा रहा है कि पवन सिंह अब आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं और वो आरा और काराकाट इन्हीं दो सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ चर्चा है, क्योंकि खुद पवन सिंह ने भी अभी तक साफ नहीं किया है कि वो किस पार्टी से और कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरा सीट से बीजेपी की तरफ से लड़ने की राह उनकी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आरा सीट से दो बार सांसद रहे बीजेपी नेता और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह एक कार्यक्रम के दौरान साफ कर चुके हैं कि वो आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उनका आरा से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ना मुश्किल लग रहा है। पवन सिंह ने बीजेपी से मिले टिकट को लौटाने के बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। इसके साथ ही मंगलवार को नेता मंगल पांडे से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन तब भी उनके टिकट को लेकर बना असमंजस बना हुआ है। इससे पहले पवन को बीजेपी ने आसनसोल से इसलिए उतारा था क्योंकि वहां भारी संख्या में बिहारी वोटर हैं और बीजेपी की कोशिश शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लड़ाकर मुकाबला दो बिहारियों के बीच करने की थी। ये चुनावी जंग कितनी दिलचस्प और रोमांचक होती, शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह कैसी ताल ठोकते। इस सीट से चुनाव से इनकार कर पवन सिंह खुद ही मैदान से पीछे हट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।